नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक ट्रिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी हाल ही में एक वीडियो डाले थे जिसमें कि एक स्कूल में जाकर के हमने बच्चों को खेल दिखाए थे और उस खेल में हमने बच्चे का मन पढ़ा था। उसमें किए क्या थे कि एक बच्चे को बुलाए थे और उसे डायरी दिए और बोले कि कोई भी आप चार अंक का नंबर लिखिए अपने मन से, और उसने चार अंक का नंबर लिखा। फिर दूसरे बच्चों के दिए, उसने भी चार अंक का नंबर लिखा, और तीसरे बच्चे को बोले कि आप दोनों लड़का जो नंबर लिखा है, दोनों बच्चे जो नंबर लिखे हैं उसको आप ऐड कीजिए। तो उसने इसे ऐड किया, जोड़ा, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट हमने पहले से सोच कर रखा था और स्कूल के शिक्षक को हम दिए थे एक लिफाफा, और उस लिफाफे में जो नंबर था वही नंबर जोड़ने के बाद आया। तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि जादूगर साहब ने इस खेल को कैसे किया, लेकिन वहाँ पर हमने इस खेल का जो रहस्य है यह नहीं बताया, क्योंकि रहस्य बताने के बाद इसका जो असर है वह कम हो जाता। तो सभी लोग सोचते रह गए। और चलिए, आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है उस वीडियो पे कि इसका क्या रहस्य है और इसे कैसे किया जा सकता है और इसे कैसे किया जाता है यह बताइए। तो आप लोगों को हम आज बताने जा रहे हैं कि इस खेल को हमने कैसे किया। दोस्तों इसका जो रहस्य है यह इस डायरी में छुपा हुआ है। हमने क्या किया है कि बाज़ार से दो सेम डायरी खरीदा, और दो सेम डायरी खरीदने के बाद अब देखिए, अब नॉर्मल डायरी जब खरीदेंगे तो उसका ऊपर का कवर कुछ इस तरह से और पीछे का कवर कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि आगे और पीछे में कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। जैसे कि आगे यहाँ पे कुछ फोटो है, चित्र है, और यहाँ जिस कंपनी का यह डायरी है उसका नाम लिखा हुआ है, और इसके ठीक पीछे में इसका MRP वगैरह वगैरह कुछ डिटेल्स जहाँ की ये कंपनी है सब लिखी हुई है। तो हमने दो डायरी लेने के बाद क्या किया कि उसका जो आगे और पीछे का जो लुक है वो दोनों सेम कर दिया। अब यहाँ देखिए यह डायरी है, इसका पीछे का कुछ इस तरह से लुक है, अब यहाँ कुछ इस तरह से लुक है। अब इसे ऐसे पकड़े या ऐसे पकड़े, सिर्फ ऐसा देखने में लगेगा कि ये ऊपर से ही है। इतना नोटिस कभी भी खेल में नहीं करते हैं लोग देखने वाले। अब क्या है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर जैसे चार अंक का नंबर अपने मन से सोच लेते हैं, 2 3 4, एकदम सिंपल सा नंबर हम लेंगे, पूरा सिंपल सा नंबर लेना है चार अंक का, और उस नंबर को यहाँ पर लिख देना है ताकि किसी को जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। अगर आपका बड़ा बड़ा नंबर रहेगा फिर जोड़ने में दिक्कत आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, पता चलेगा कि गलत जोड़ दिया है, जोड़ा कुछ है और आया कुछ है। इसलिए सिंपल नंबर लेना, जैसे 2 3 4 2, एक सिंपल नंबर है, इसे जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है किसी को भी। तो 4 2 6, इस तरह से हम इसे जोड़ करके पूरा लिख देंगे। टोटल जोड़ कर लिखने के बाद 5586 आया है। ओके, अब हमें कुछ इसी तरह से एक लिफाफा बनाना है और उसमें 5586 केवल लिख करके छोड़ देंगे। जैसे मान लिया कि ये लिफाफा है, यहाँ पे हमने 5586 लिख कर और इसे बंद कर दिया लिफाफा के अंदर। अब यहाँ पे एक बच्चे को बुलाते हैं और उस बच्चे को बोलेंगे हम कि कोई भी एक नंबर यहाँ लिखिए। ओके, कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिखेगा वो, जैसे कि वो लिख दिया, कुछ भी लिखेगा चार अंक का, कुछ भी, एक बच्चा लिख दिया। अब दूसरे बच्चे को बोलेंगे, हालांकि हमने स्कूल में जो कार्यक्रम दिखाया था वहाँ पे हमने 5 अंक का नंबर लिखाया था, यहाँ पे आपको समझने के लिए 4 अंक का नंबर हम दे रहे हैं, यहाँ 5 अंक के, 6 अंक के, कुछ भी नंबर आप लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ हम फिर से दूसरे बच्चों को देंगे कि आप यहाँ पर कोई अपने मन से आप नंबर लिखिए, तो कोई भी अपने मन से वो नंबर यहाँ पर लिखेगा और उसका हैंडराइटिंग तो ज़रूर चेंज होगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ इस तरह से नंबर लिखा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने दो बच्चे से नंबर लिखवा लिया है, हमने डायरी कुछ यूँ पकड़ा था और दोनों से नंबर लिखवा लिया। नंबर लिखवाने के बाद डायरी का करते हैं क्लोज। अब अगले बच्चे को बुलाते हैं, तीसरे बच्चे को, और उस समय हम डायरी को कुछ यूँ पकड़ लेते हैं इस तरफ से। अब इस तरफ से ब्लैंक है, लेकिन ब्लैंक नहीं रखना होता है, आपको जो रिजल्ट लाना है वह नंबर यहाँ पर पहले से लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि मेरा प्लान क्या है कि रिजल्ट आना चाहिए कितना, 5586, तो 5586 लाने के लिए कितना कितना को ऐड करना पड़ रहा है, 2 3 4 2 और 3 2 4। अब इतना नंबर लिख कर रखेंगे, और ध्यान रहे यह हैंडराइटिंग आप खुद से लिखिए और नीचे वाला अपने घर के बच्चे से या किसी और से लिखवा लीजिए, यानी दोनों हैंडराइटिंग में अंतर पता चलना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर आप सीधी समझिए कि ये दोनों नंबर हमने लिखवाया है, अब इसे क्लोज करेंगे और तीसरे आदमी को बुलाएंगे या तीसरे बच्चे को बुलाएंगे, उस समय हम इसे ऐसे बदल देंगे और उसे जोड़ने के लिए देंगे।
जोड़ने के बाद रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह से, जो पहले से आप 5586 यहाँ पे लिख कर रखे हैं, तो सरप्राइज हो जाएगा वो देखने वाला कि क्या रिजल्ट आया है।